अक्षय कुमार साहब ने अपनी मूछों पर ताव देते हुए कहा था कि राठौड़, विक्रम राठौड़। याद है आपको वो फिल्म? यानी कि मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों राउडी राठौड़ के बारे में। क्या आप जानते हैं इस फिल्म के सीक्वल का भी प्लान किया जा रहा है? आइए बताता हूँ क्या ही ये खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल में। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। दोस्तों विक्रम राठौड़ वाली ये जो फिल्म थी यानी कि राउडी राठौड़ थी, इसे ग्रेट रिस्पॉन्स मिला था। इस फिल्म के अंदर सोनाक्षी सिन्हा हमारी अक्की सर के साथ थी, अक्की पाजी के साथ थी, और फिल्म को ना धमाल तरीके से ओपनिंग मिली थी, बॉक्स ऑफिस पे भी अच्छा कमाई की थी, और साथ ही साथ एक है ना इसने स्टोन ऐसा छोड़ दिया था कि अब पार्ट टू आ सकता है ऐसा। अब दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि खबरें ये आई हैं एक लीडिंग वेबसाइट के द्वारा कि फिल्म का सेकेंड पार्ट बनाया जा रहा है जिसकी शूटिंग नेक्स्ट ईयर से शुरू हो जाएगी। जी हाँ, यहाँ पर शबीना खान जो है वन ऑफ द प्रोड्यूसर, उन्होंने इस बात की कंफर्मेशन दी कि यस बनाया जा रहा है और स्टोरी भी लिखी जा रही है, वो भी अक्षय कुमार को मेन लीड में लेकर। अभी तक इस बात की ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है दोस्तों, लेकिन संजय लीला भंसाली सर के ही प्रोडक्शन तले बनेगी ये फिल्म, और इस फिल्म के अंदर अक्षय कुमार तो होंगे ही होंगे, लेकिन लड़की में सोनाक्षी सिन्हा होंगी या नहीं होंगी ये थोड़ा सा डाइसी है। लेट्स सी, इसका ऑफिशियली थोड़ा सा वेट कीजिए कि कब आएगी खबर, जब अक्षय खुद बोलेंगे कि हाँ मैं कर रहा हूँ राउडी राठौड़ 2। ये बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा क्योंकि नेक्स्ट ईयर इस फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। आप लोग कितने एक्साइटेड हैं राउडी राठौड़ 2 के लिए, कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताएं। बने रहिए चैनल के साथ, राहुल भोज इसी तरीके की चटपटी बातें आपको बताता रहेगा। हम सब दोस्तों ये बात जानते हैं कि रणवीर सिंह यानी कि हमारे धतड़ वाले एक्टर जो है बहुत ज्यादा बिजी हैं और वो आजकल शूटिंग कर रहे हैं 83 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था दोस्तों क्रिकेट में, और वो जो कप्तानी थी उस वक्त हमारे सर की थी यानी कि कपिल देव सर की थी। ऐसे में दोस्तों इस पर फिल्म लेकर आ रहे हैं जिनका नाम है कबीर खान। कबीर खान इस फिल्म में डायरेक्शन दे रहे हैं एंड आई एम टेलिंग यू दिस फिल्म डेफिनेटली गोना बी अ ब्लॉकबस्टर, क्योंकि इसमें कबीर खान का टैलेंट है, रणवीर सिंह का टैलेंट है, और इसमें एक और नाम जुड़ गया है और वो है दीपिका पादुकोण। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ, ये एक्सक्लूसिव बात बताना चाहता हूँ कि दीपिका पादुकोण ने हामी भर दी है कि वो इसमें कपिल देव की वाइफ यानी कि रोमी देव का कैरेक्टर निभाएंगी। जी हाँ, दीपिका ने दोस्तों हालांकि ये डाइसी सिचुएशन रखी थी, उनको पहले ऑफर किया गया था, कबीर खान जी ने बोला था कि आप करिए, और क्योंकि वो बिजी चल रही है, छपाक की शूटिंग कर रही है वो मेघना गुलजार की, जिसकी वजह से वो बिजी चल रही है, तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पर दीपिका पादुकोण ने हामी नहीं भरी थी। लेकिन फाइनली इट्स कंफर्म नाउ कि दीपिका पादुकोण इसमें रणवीर सिंह के साथ नजर आएंगी। मैं पर्सनली इस फिल्म के लिए ज्यादा और भी एक्साइटेड हो चुका हूँ क्योंकि इसमें रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक साथ ऑन स्क्रीन नजर आएंगे, और प्लस दोनों की शादी हो चुकी है तो वो जो केमिस्ट्री है जो कि ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाएगी अब, वो देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प रहेगा। Are you guys excited or not? कमेंट सेक्शन में जाओ और मुझे जरूर बताओ। बने रहो चैनल के साथ, राहुल भोज इसी तरीके की चटपटी बातें आपको बताता रहेगा। So keep on watching.